दावे करता है कि आपका डेटा उनके पास सुरक्षित है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? इसकी पोल खोली है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान, जहां 5 करोड़ यूजर्स का डेटा चुराया गया है। कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी ने उनका डेटा चुराया है, 5 करोड़ यूजर्स का। उसके बाद जो भारतीय यूजर्स हैं, उनके मन में भी काफी डर है, काफी संशय है अपने डेटा को की सुरक्षा को लेकर। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिनव पांडे मौजूद हैं। वो हमको बताएंगे कि किस तरह से आप अपना डेटा को सुरक्षित कर सकते हैं। अभिनव, ये बताइए कि किस कौन कौन सी परेशानियां होती हैं और कौन कौन से डर होते हैं यूजर्स के अंदर, और उन डरों को किस तरह से दूर किया जा सकता है? देखिए, फेसबुक यूजर डर से ज्यादा वो गलतियां करते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे जैसे आप जैसे बहुत सारे यूजर्स हैं जो फेसबुक चलाते हैं, और फेसबुक पर ढेर सारे ऐप्स के ऐड आते रहते हैं, या फिर हम मोबाइल में कोई ऐप्स डाउनलोड करते हैं तो उसमें ऑप्शन देता है कि लॉग इन विथ फेसबुक या लॉग इन विथ गूगल। तो होता क्या है कि फेसबुक से लॉग इन करना हमारे लिए आसान होता है और हम फेसबुक से लॉग इन कर देते हैं, और वो हो जाता है थर्ड पार्टी डेटा, थर्ड पार्टी ऐप के पास हमारा डेटा पहुंच जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें जो सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि हमें किसी भी थर्ड पार्टी ऐप या वेबसाइट पर अपना डेटा नहीं देने के लिए फेसबुक से लॉग इन नहीं तो ये बताइए कि किस तरह से काम किया जाएगा, उसको किस तरीके से काम किया जा सकता है वो बताइए। कि अगर ये जो फेसबुक प्रोफाइल जो है वो खुली हुई है, मेरे कैमरा पर्सन डीसी मंजू दिखाएंगे कि किस तरह से जो ये फेसबुक प्रोफाइल खुली है, इसमें जो डेटा जो दूसरी वेबसाइट्स में गया है उसको किस तरीके से रोका जाएगा, बताइए। देखिए, अभी क्या है कि हम जो सेटिंग में जाते हैं, हम सबसे पहले हमें ये जो स्क्रॉल डाउन बार है यहाँ पे जाकर के सेटिंग में जाना होता है। हमें सेटिंग में जाकर के आपको ये सारी प्राइवेसी सेटिंग्स हैं, और इसमें आपको ऐप्स में जाना होगा। ये ऐप्स पे आपने क्लिक किया, और हम लोग भी गलतियां करते हैं कि किस तरह से जो थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशंस हैं या वेबसाइट्स हैं उस पर हम लोगों ने लॉगिन किया हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी वेबसाइट जो है उनके पास आपका डेटा है। क्रिमिनल केस, इस तरह के जो वेबसाइट्स हैं उनके पास इस फेसबुक प्रोफाइल का डाटा है। किस तरीके से हम डिसेबल इसको, इस डाटा को हमें डिसेबल करना होगा। तो इस डाटा को डिसेबल करने के लिए हम ऐप्स, वेबसाइट एंड प्लगइन्स में एडिट में जाएंगे। एडिट में जाकर के डिसेबल प्लेटफॉर्म करेंगे, और हम डिसेबल पे इस बटन पे क्लिक कर देंगे। अब क्या होगा कि सारा जो हमारा डाटा था इन सारे ऐप्स से हट जाएगा। थोड़ी देर बाद अगर हम देखेंगे तो ये सारी वेबसाइट, ये सारे ऐप जो है यहाँ पे आपके प्रोफाइल में नहीं नजर आएंगे। इससे जो ये सबसे पहला तरीका है कि आप अपना डाटा थर्ड पार्टी को। दो तरीके मैं आपको बताती हूँ, दो तरीके जो उसके साथ साथ में है वो ये है कि हर 4 हफ्ते में हो सके तो अपना पासवर्ड चेंज करते रहिएगा, और साथ ही साथ जो अपने प्राइवेसी जो सेटिंग्स है उसको जितना हो सके उतना प्राइवेट रखिएगा। यानी कि जो आपके फ्रेंड लिस्ट में जो लोग नहीं है वो आपके जो अकाउंट है उसको ना देख पाए, वो उस तरह से आप सेटिंग्स रखेंगे तो आपके लिए बेहतर। तो आप भी सजग रहें, सतर्क रहें, अपना डेटा सुरक्षित रखें, क्योंकि आपके इस डेटा के जरिए कुछ कंपनी आपकी राय तक बदलने की ताकत रखती हैं। फेसबुक डेटा चोरी स्कैंडल पर पहली बार फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग का भी बयान सामने आया है। जकरबर्ग ने माफी तो नहीं मांगी है, लेकिन गलती जरूर मानी है। जकरबर्ग ने कहा है कि यूजर्स के डेटा की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। डेटा लीक पर जकरबर्ग ने गलती मानी है और ये कहा है कि अगर हम डेटा सिक्योर करने में फेल होते हैं तो ये गलती हमारी है। यानी माफी नहीं मांगी, गलती मानी है, और ये कहा है कि डेटा लीक पर कई कदम उठाए, कई कदम आगे भी उठाएंगे। डेटा लीक पर मार्क जकरबर्ग का ये पहला बयान जो सामने आया है। हालांकि ये बयान बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं करता, क्योंकि फेसबुक के करोड़ों यूजर्स आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये है ABP News, आपको रखे आगे।